नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आदिवासियों का महापर्व भगोरिया बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जहाट बाजार केदन बरूर क्षेत्र के कई आदिवासी अंचलों से आदिवासी महिला पुरुष एवं इस भगोरिया पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दूर सुदूर शहरों से हर पर्व पर अपना व्यापार व्यवसाय करने आए व्यापारियों ने व्यापार का व्यवसाय किया। इस मेले में सजे झूलों का आनंद कई आदिवासी युवक युवतियों ने लिया। ज्ञात रहे भगोरिया पर्व प्रणय पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसी के चलते भगोरिया हाट में सज धज कर ढोल मांदल के थाप पर आदिवासी गीतों की धुन पर कई आदिवासी नाच गा रहे थे, जहां इस पर्व पर आदिवासी युवाओं ने पानी का स्टॉल लगाकर एकता व भाईचारे का संदेश दिया। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा किसी प्रकार की कोई बाजार हाट में व्यवस्था नहीं की जाने से क्षेत्र के व्यापारी वर्ग एवं आदिवासी भगोरिया हाथ में आने वाले लोगों द्वारा रोष व्यक्त किया। वहीं पुलिस प्रशासन के TIA लक्ष्मण सिंह लववंशी वहीं स्टाफ द्वारा अस्थायी पुलिस चौकी बनाकर भगोरिया पर्व को सफल बनाने के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। भगोरिया हाट मटाना बरोड में लगा हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरा, अस्थायी पुलिस चौकी एवं भीड़ प्रभारी और सभी अलग अलग क्षेत्र बांटकर ड्यूटी लगाई गई है और महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है और मांदल में अलग है, बाजार में अलग है। इस प्रकार से करीब 10-12 हज़ार की जनसंख्या है जो भगोरिया हाट में आई है और शांतिपूर्वक भगोरिया चल रहा है। आज तीसरा भगोरिया हमारे विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा 186 का बरोल ग्राम बरोल में भगोरिया है। कोरोना काल आया था, 2-3 साल से हमारे यहाँ भगोरिया नहीं मनाया गया था। आज कोरोना काल जाने से आज आदिवासियों में हर्षोल्लास से भगोरिया पर्व मनाया जा रहा है। पूरे पहाड़ी अंचल से आसपास के दूरदराज के माताएं बहनें हमारे होली पर्व के लिए कुछ कंगन वगैरह खरीदारी के लिए सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आए हुए हैं और हमारे बीच में भी ढोल मांदल बांसुरी और हमारे आदिवासी जितने भी हथियार है उस हिसाब से सबको लेकर आए हैं और हर्षोल्लास से हमारा भगोरिया पर्व भगोरिया हाट मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन, जयेश जिला प्रभारी खरगोन मध्य प्रदेश। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।